हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एस सी ने रिलीज़ कर दिया आंसर की, जैसा कि लिखा हुआ था 48 घंटे बाद। और इसमें हम लोग जो है 22 तारीख पे फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर देखने वाले आंसर की। आंसर की वेबसाइट पर भी आप चाहें तो वहाँ से मिला सकते हैं। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आगे भी यूपी ट्रिपल एस सी कुछ परीक्षाएँ होनी है, मंडी परिषद की अमीन का पेपर होना है, तो उसमें कुछ लोगों को अंदाज़ा पड़ सके पेपर का। और अगर तो कोई क्वेश्चन गलत दे दिया आयोग ने तो उस पर भी डिस्कशन हो सकेगा इस वीडियो में। आप चाहें तो वीडियो से मिला सकते हैं, नहीं तो आयोग की वेबसाइट से आंसर की अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और जीए सेक्शन का डिस्कशन हम कर लेते हैं। रीजनिंग का मुझे कोई ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, रीजनिंग काफ़ी टफ भी थी। रीजनिंग में सॉल्व करवा रहा हूँ हमारे एक्सपर्ट से, वो बताएंगे आपको कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं उसमें, और अगर कोई गलत होता है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन हिंदी का, हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता में। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया है और केवल एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि बताइए गद्यांश के आधार पर शीर्षक क्या होगा उपयुक्त। तो ये उत्साह पर आधारित था पूरे में, तो उत्साह इसमें आपने लगा दिया होगा। ये खाली टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था मेरे हिसाब से कुल मिला के। पहले के पेपर्स में क्या होता था कि एक ही पैराग्राफ होता था और उसी से शीर्षक भी पूछा जाता था, उसी में बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। लेकिन इसमें एक अलग से पैराग्राफ दिया जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पैराग्राफ आपने रीड कर ही लिया होगा, इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लाइन नंबर थर्ड में, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़ करके आई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरी बुकलेट में सही है। मंजूषा को लेकर के कौन जा रहा था, यहाँ पर भाग ले जा रहा था उसको, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है लास्ट लाइन में। यहाँ पर देखोगे आप, भाग उसे स्वयं ही बहा कर लिया चला जा रहा था। राजा अधिरथ ने सेवकों को वो क्या आज्ञा दी थी, उसने आज्ञा दी थी मंजूषा को लेकर के आने की। यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सामने जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ करके ले आओ। आखिरी क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। वो राधा और सेवक के साथ आए थे, अपनी पत्नी राधा और सेवक के साथ। ये भी वहां पर मेंशन किया गया है कि किसके साथ आए थे, राधा और सेवक। पत्र लेखन से तीन क्वेश्चन आए थे, मैंने कहा था तीन क्वेश्चन आएंगे। मेरा पहला वाक्य था वीडियो बनाते समय कि कम से कम तीन क्वेश्चन पूछेंगे इस बार, और जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा ये तीन तो सही कर ही ले गए होंगे आप। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत संभावना है कि आपका गलत हो गया होगा, क्वेश्चन ट्रिकी पूछे गए थे, ऐसा मैंने एमसीक्यू बनाया था। अगर तो किसी ने प्रूफ कर दिया कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है आपको 6, 7, 8 में। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन कार्यालय अनेक प्रेषितियों को एक साथ भेजा जाता है तो वो परिपत्र होता है, उसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है वो अर्धशासकीय पत्र होता है। पत्र लेखन के दो पार्ट बने थे, पहले वीडियो में हमने अर्ध सरकारी और सरकारी डीपली डिस्कस करे थे, उसमें हमने आपको फॉर्मेट दिखाया था इसका। तो अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र इसका आंसर होगा। एक विद्यार्थी अगर अपने प्रधानाचार्य को अभिवादन करना चाहता है पत्र में तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसमें तो खैर इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, आपको ये बात पता होगी। संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखते हैं हम लोग, 1/3 लिखते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू हमने करवाया टेस्ट में और ये तो आपको पता ही होगा कि संक्षेपण हम लोग करते हैं 1/3 में। क्वेश्चन नंबर 10 इस हमारी आंसर की में जो है ये काफ़ी एम्बिगुअस है या फिर इनकम्प्लीट कह सकते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उन्होंने 2, 4, 6, 8 तो दे दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि किस आधार पर है, क्योंकि वर्गीकरण कई आधार पर होता है। प्राण के आधार पर होता है, घोषत्व के आधार पर होता है घोष अघोष, और भी बहुत सारे आधार पर होता है, नासिकता के आधार पर, अनुनासिक निरुनासिक अनुस्वार वगैरह। लेकिन इसमें चार माना आयोग ने, अब देखते हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन वैसे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, इसमें आधार तो बताना चाहिए था कि ध्वनि किस आधार पर वर्गीकरण मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ होते हैं, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, 2 प्रकार के होते हैं। अभी उदय में संधि कौन सी है, मतलब क्या बनेगा संधि इसकी, करना है इसमें यण संधि काम करेगी, अभ्युदय बन जाएगा। इस तरह के काफ़ी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने करे थे और ये भी आपने करेक्ट कर ही लिया होगा। पुस्तकालय में संधि पूछ रहा है, ये तो बहुत क्लीशी हो गया, दीर्घ संधि आप कोई भी कर सकता था इसमें, पुस्तक और आलय, ठीक है, दीर्घ संधि इसमें बन जाएगी। सदानंद में कौन संधि है, इसमें सत और आनंद है, इस तरह के भी हमने किया हुआ है। इसमें व्यंजन संधि है, तो संधि से कितने क्वेश्चन, 4, 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के लिए भी देख लीजिएगा इसको, यूपी ट्रिपल एस सी में किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले। ये कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आजकल के यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्जाम में, मैंने लगातार के एग्जाम देखे हैं। युवा विकास दल अधिकारी आप ले लीजिए, आप वन रक्षक का पेपर ले लीजिए, और अभी वीडियो में इसमें पूछा है कितने प्रकार की होती है, इसमें नंबर पूछा है, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्वर संधि होती है, उसके बाद व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, और उसमें अलग अलग टाइप्स और एग्जाम्पल होते हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें 3 आंसर सही है और आयोग ने जो माना है वो सही माना है।
16 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है? ये पूछा गया है, ग्रह, चंदन, पत्ता। पत्ता गिरता है, चंदन लगाया जाता है, ग्रह खरीदा जाता है, ग्रह बेचा जाता है, ग्रह में रहा जाता है, लेकिन सभा होती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें स्त्रीलिंग है आपका, ऑप्शन नंबर डी। 15 में आपसे पूछा है कि कौन से शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ये भी हमने करवाया हुआ है डायरेक्टली हमारे, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, ये ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था, इसमें आय होती है, ठीक है? आय होती है किसी की, तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें। सार लिखा जाता है, विवाद होता है दो लोगों में, रूप किसी का सुंदर किसी का अच्छा नहीं होता है, लेकिन आय होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग। अब पूछा गया है कौन सा पुल्लिंग है यहाँ पर, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी आप देखोगे तीन चार क्वेश्चन, तो ये भी इसको चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। इसमें देखिए आशा है, आशा बंधती है, आशा बंधाई जाती है, आशा होती है, क्षमा की जाती है, क्षमादान किया जाता है, क्षमादान किया जाता है, लेकिन क्षमा स्त्रीलिंग है, सेना भी स्त्रीलिंग है, कष्ट होता है किसी को, तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। निम्न में से कौन से शब्द पुल्लिंग है, दया आती है किसी पर, भाषा बोली जाती है, भाषा लिखी जाती है, माया होती है, ठीक है? माया स्त्रीलिंग है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आभार होता है, आभार प्रकट किया जाता है, तो ये पुल्लिंग है। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, अग्र, पश्च, मध्य, हमने बताया हुआ है आपको, हालांकि नंबर ही पूछा गया है केवल, तो तीन होते हैं, ठीक है? अग्र, पश्च, मध्य। यथासंभव में समास पूछा है, यथासंभव में कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। परमेश्वर में कौन समास है, इसमें कर्मधारय समास होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा है कि अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है, लेकिन टेक्स्ट बुकलेट नंबर ए है, ए डबल मतलब डबल ए जो है उसकी आंसर की में इन्होंने अभी दिया हुआ है, जो कि हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, तो ये क्वेश्चन काफी डाउटफुल है। बाकी लोग भी बताइएगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले, क्या अध्यक्ष में अभी दिया है आपकी आंसर की में, अगर दिया है तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये पहला मिला हमको गलत क्वेश्चन आंसर की में। संग्राम में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग यहाँ पर संस्कृत का लगेगा सम, ठीक है? सन उपसर्ग नहीं होता है। सावधानी में प्रत्यय पूछा है, सावधानी में प्रत्यय होगा ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। जिंदगी में प्रत्यय कौन सा है, जिंदगी में भी प्रत्यय है ई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो सरल सरल क्वेश्चन थे काफी। अब तत्सम पूछा है इसमें, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमने कुछ टूल्स आपको बताए थे याद करने के, रा की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है? और कहीं पर अगर क्षा हो या फिर आपका कहीं पर त्रा हो, तो इसमें ज्यादातर तत्सम बनते हैं, ठीक है? इसमें प्रिय जो है ये आपका तत्सम है। इसमें निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, अब आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 में चार तत्सम नहीं है, तद्भव है, शलाका, यहाँ पर तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है, वचन भी है। विदेशत शब्द कौन सा है, विदेशत शब्द रिक्शा है, ठीक है? जापानी से आया है। अब गाय को इन्होंने रख दिया है जातिवाचक संज्ञा में, ये कुछ समझ भी नहीं आया है। देखो अगर जानवर है, अगर पशु है, अगर मान लो पशु होता वो पूछा गया होता तो हो सकता था जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? लेकिन इन्होंने अब गाय को रख दिया जातिवाचक संज्ञा में, अब क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए गाय की वैसे तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन ग्रामर में इतना डीप में कैसे देख सकते हैं, ठीक है? अब देखेंगे इसमें, हम बताएंगे क्या करना है इसमें। वैसे मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर काली गाय पीली गाय है तो ऐसे नहीं रख सकते ना, मतलब वैसे तो जाति भी हो जाएगी। ऐसे तो गाय की भी कई प्रजातियां होती हैं, कई उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है अलग अलग, कई स्पीसीज होती हैं। अब इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा एक भाव होता है, एक फीलिंग, एक कंडीशन हो सकती है, तो बीमारी है इसमें भाववाचक संज्ञा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, देखो वैसे तो आप याद रख सकते हो कितने होते हैं, पहचान भी सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करता हूँ इस चीज़ पर कि आपको नंबर पता होना चाहिए, लेकिन अब देखोगे दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसी से कि डायरेक्टली नंबर पूछा है कि कितने टाइप होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, तो कितने हो गए सर्वनाम, 6 होते हैं, ठीक है? तो सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 6, आयोग ने भी 6 माना है, ज्यादातर बुक्स में भी 6 है, विकिपीडिया में भी 6 है। पर्वतीय पूछा है, पर्वतीय विशेषण कौन सा है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है? बिना कोई डाउट के गुणवाचक विशेषण इसमें सही है। आगरा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है ये पूछा, ठीक है? आगरा, चमकीला, कुछ लिखना, चमकीला यहाँ पर विशेषण होगा, है ना? क्योंकि चमक यहाँ पर एक गुण है, एक विशेषता है। आगरा संज्ञा होगी, कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और लिखना क्रिया होगी। अब जो संज्ञा के शब्द, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं विशेषण। राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, कर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? इसमें क्लियरली अकर्मक क्रिया है। राम क्या सो रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इसमें है अकर्मक क्रिया। 38 में आपसे पूछा गया है कि बताइए वह एक सप्ताह बाद आए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, इसमें बाद होगा। कुछ काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हैं।
सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, युद्ध से आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा आगे, ऑप्शन नंबर सी, आगे होगा यहां पर संबंधवाचक। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक आपको बताना है। वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक शब्द आपका और है क्लियरली, इसमें कोई गलती नहीं है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, जिसके पहले मतलब जिसके बाद वो लगा हो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह वही होता है, वो होता है हाय। इसमें ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? अनीक सेना को बोलते हैं, हमारे वीडियो में भी है, हालांकि मुझे अभी नहीं याद आ रहा था तो मैंने पॉज किया इसको। इसमें सेना आंसर सही है, अग्रभाग समूह या सेना को कहते हैं अनेक। कपड़े का या फिर कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर होगा वसन, ठीक है। चीर, अंबर, पट, वसन ये सब होते हैं कपड़े के पर्यायवाची। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का एग्जैक्ट विलोम होगा पाताल, इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे शुद्ध शब्द पूछा है। अगर सारे के सारे लोग ईमानदारी से देखेंगे कि हमने पूछा था आपसे, हालांकि इसमें उज्ज्वलन इसको कर दिया हमने, उज्ज्वल से आपको बताया था कि उज्ज्वल एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें दो आपके व्यंजन आधे आधे आते हैं, ठीक है। उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं, तो ये अपने आप में एक यूनिक सा शब्द होता है जिसमें दो आधे व्यंजन आते हैं, उसी से बनाया इन लोगों ने उज्ज्वलन, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा मुझको अंदाजा नहीं था, तभी मैंने इसको बताया भी नहीं था। राजभाषा विभाग में एक पीडीएफ पड़ी हुई है मानक हिंदी की, मानक हिंदी की आप डाउनलोड कर लीजिएगा चाहे, नहीं तो हम बता देंगे आपको। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि हम लोग एक कैसे लिखते हैं, 12 की स्पेलिंग क्या होती है, 13 की कैसी होती है, 76 की स्पेलिंग क्या होती है, 77 की, ये सब लिखा हुआ है। तो इससे 46 पूछा गया है, 46 कैसे लिखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ये है 46 की सही स्पेलिंग। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 47 जो एग्जैक्टली यूपीपी में पूछा गया था, यूपीपी कॉन्स्टेबल में जो एग्जाम कैंसिल हो गए थे उसमें पूछा गया था, भंवरा और सखी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अभय और उभय पूछा है, उभयचर अगर आपको पता है तो इसमें आप कर सकते थे, उभय का मतलब यहाँ पर दोनों हो जाएगा, जैसे उभयचर कौन होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, तो उसी प्रकार से दोनों और निर्भय, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला है इसमें कि पृथ्वी का विलोम बताना है, पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर ए। अब हम जीए वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग वाले इसलिए छोड़े क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगा, हम मैंने सॉल्व करवाने को बोला है किसी से, एक्सपर्ट है वो रीजनिंग और क्वांट वगैरह के, तो ये देख रहे हैं हर की में कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलत है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा आसान रहे आपको चेक करना। कैलिस्टियो एम्प्टी एरियल सेंचुरी, जिसमें पूरा दिन हमारा बीतता है यानी कि मेरा, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये फंट होते हैं, ठीक है, फंट के नाम होते हैं, ANSANGA UPC में ज़्यादा यूज़ करता हूँ वैसे तो, ऑप्शन नंबर डी ये फंट होते हैं। इनमें से इंटरनेट तक पहुंच हमको कौन प्रदान करता है? हमारा ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी। जो टॉप 250 हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी क्रिएटिविटी यूज़ की है इन्होंने। पावर स्ट्रिप पूछा है क्या है? पावर स्ट्रिप बिजली की दुकानों में मिलता है, आपने देखा होगा, एक सॉकेट होता है जिसमें कई सारे छेद होते हैं ऐसे ऐसे करके, और एक तार होता है इसमें, और वो प्लग में लगाया जाता है पावर सप्लाई में, तो वो है पावर स्ट्रिप। तो पावर स्ट्रिप का इन्होंने माना है कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए और जो उपकरणों को समायोजित करता है, तो सही है, मतलब वाल आउटलेट से आपने करंट ले लिया और आपका जो बोर्ड है छोटा छोटा इसमें कई सारे जो है सॉकेट हैं और उससे कई सारे अप्लायंसेस चलाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है इनका। इसमें लोग हालांकि कन्फ्यूज हो सकते थे ऑप्शन नंबर बी से, क्योंकि ये भी अगर आप देखें तो सही है लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन यही है। MS Excel में जो इंसर्ट टैब होता है उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? एक्सेल में नहीं ज़्यादा यूज़ करता हूँ लेकिन मैंने अभी देखा है और बिल्कुल सही इन्होंने दिया है, अनुच्छेद, पैराग्राफ आप इंसर्ट नहीं कर सकते, आप उसमें सिंबल डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं और रेखांकन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। त्रिवेणी में कौन कौन मिलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है उत्तर प्रदेश में? बरकतुल्ला नहीं है, बाकी बुंदेलखंड भी है, चौधरी चरण सिंह भी है और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी है। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का? मुझको इसमें खाली इतना पता था कि गिद्धा यहाँ पर पंजाब का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर UP SSC का ही है, ये शायद लोअर में पूछा गया था अगर आपको याद हो तो, या किसी और एग्जाम में,
उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये ACF में भी पूछा गया था, UPPCS असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में। छठ पूजा किस भगवान की होती है? ये रवि की होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं लगता है? इसमें अर्घा लगता है, माघ मेला लगता है, कुंभ लगता है, लेकिन बैसाख नहीं लगता है। एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक, मतलब कुल मिलाकर इसमें आपसे पूछा है एसोचैम ही था, लेकिन इसमें लोगों ने गंदा काम ये किया है कि एसोचैम और यूपी अलग अलग लिखने के बजाय उसमें एक साथ लिख दिया है। मतलब क्वेश्चन टफ करने के लिए कुछ भी करोगे क्या? एसोचैम का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। एसोचैम का फुल फॉर्म है यहाँ पर डेसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब इंडस्ट्रीज तक होना चाहिए, यूपी है तो उत्तर प्रदेश, बस इतना करना था आपको। एसोचैम का फुल फॉर्म रफली अगर आइडिया हो, PIB वगैरह देखते हैं तो। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937, यह हर जीके किताब में मिलेगा आपको, यूपी जीके में। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, 19 आपको खाली पता होना चाहिए था तो आप कर सकते थे फिगर, ठीक है, क्योंकि बाकी 20 करोड़ दिया हुआ है, 15, 12, 19 थी, ठीक है, 1994 समथिंग थी, 95 पता नहीं दिया है मैंने, 94 पढ़ा था, 19,94,000 कुछ 12,000 ऐसे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? देहरादून नहीं है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मुर्दों का टीला होता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पसंदीदा शहर का इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, रहने की जगह का भी कर दिया, एक बाजार क्षेत्र का भी कर दिया, लेकिन जो आंसर है उसका ट्रांसलेशन ही नहीं दिया है, ठीक है, माउंट ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टीला। हिंदू सभ्यता के बारे में कौन से कथन सत्य है? ये तो आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हिंदू वैली को, कि कॉटन उत्पादन करने वाले पहले माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 117 में दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से किस शासक का सहयोग नहीं है इसके निर्माण में, ठीक है, तो इसमें ऐबक का तो है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया है इसको, अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन दिन तारीख से बनाया है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है दिनों तारीख के हिसाब से? बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में, ये सही सुमेलित नहीं है। 1917 संपारण सही सुमेलित है, दिल्ली भारत की राजधानी बनती है कोलकाता के बाद, 1911 में सही है। सुभाष चंद्र बोस INC में अध्यक्ष पद के रूप में इस्तीफा देते हैं 1939 में, ये सुमेलित नहीं है बस। 119 में है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ये प्लासी में हराया था, 1757 प्लासी में। जैन धर्म में जो तीन रत्न होते हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक विश्वास से राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है, सम्यक विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से यहाँ पर सही है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह है, उसमें आइलैंड की संख्या कितनी है? ये 19 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधित इनमें से किसका सिद्धांत उस सिद्धांत के प्रवर्तक या फिर जिसने पोस्टुलेट किया था उसके नाम से मैच होता है? ज्वारी हाइपोथेसिस मैच होती है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी से, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। 123 नंबर क्वेश्चन क्रिएटिव है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र वाइज जो है उससे मैच होता है? मतलब बताना क्या है कि मतलब कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है वो सही मिलाया गया है उस कॉन्टिनेंट में आने वाली एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री से, ठीक है, एशिया इंडिया तो हो नहीं सकता क्योंकि चाइना बड़ा इंडिया से और चाइना एशिया में है। अफ्रीका में कॉन्गो नहीं होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं होगा। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं होगा, इसमें होगा टी सही, दक्षिण अमेरिका ब्राजील यहाँ पर सही मिलाया गया है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कैनेडा होगी ना कि US, ठीक है। असंगत मिलान खोजना है, ठीक है, तो मुझे संगत सारे पता थे इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू वेल है, हम सुनते आ रहे हैं, डिस्कवरी में भी देखा है। सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश भारत के बीच है, सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट अफ्रीका सही है। अब लेक सुपीरियर जो है कैनेडा में नहीं पड़ती है, हालांकि ये सबसे गहरी झील है, सबसे बड़ी झील है, ये सही है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेसर हिमालय या फिर हिमाचल का एक पहाड़ी रिजॉर्ट नहीं है? बाणासुर नहीं है, ठीक है, बाणासुर ये कहाँ पर? केरल साइड पड़ता है, साउथ में। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, ये तिब्बत में चेम्यांग दुंगदुंग से निकलती है, तो इसमें इतने में ही पता लगा लिया हमने ये ब्रह्मपुत्र है, और बाकी इसके बारे में फीचर्स हैं, सुबर्णगिरी, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं।
भारतीय मानक मरीडियन यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मरीडियन जो है पांच राज्यों से गुजरता है। ओडिशा है उसमें, छत्तीसगढ़ भी है, आंध्र प्रदेश भी है, यूपी, एमपी, लेकिन बिहार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? ये होती है 552, जिसमें से दो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है? पंचायती राज से मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवाए थे, टेस्ट नंबर 8 या 9 समथिंग में, और उसमें मैंने लिया था ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही होगा। और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन कराए थे, बलवंत राय मेहता समिति, थ्री टीयर, सब कुछ। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नगर परिषद नहीं है इसमें, बाकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद भी है। ये भी एमसीक्यू हमने करवाया था आपको, मतलब मैंने काफी कम जीके ही करवाई थी, लेकिन उससे आए हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ये रिटेन है बिल्कुल है, ये फ्लेक्सिबल भी है, यूनिटरी भी है, और साथ ही साथ ये फेडरल भी है। यूनिटरी इसलिए क्योंकि सेंटर के पास अधिक शक्ति है, संघीय इसलिए क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित है। ये भी सही है, ए बी सी सही है। डी इसकी विशेषता नहीं है, राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं कर सकते इसको। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? भारतीय संविधान के निर्माण का कारक औद्योगिक क्रांति नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कोई रोल इसमें नहीं है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? टूरिज्म नहीं था, ठीक है, वहां की निर्माण था, हस्तशिल्प था, और कृषि तो मेजर ही था, पर्यटन का कोई रोल ज्यादा नहीं था। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा, या फिर इसमें लिखा हुआ एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया हमने? इंडियन इकोनॉमी एड्रेस द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण नहीं किया, बाकी वैश्वीकरण किया, निजीकरण, उदारीकरण। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के प्रयास में लगे थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? दादा भाई नौरोजी ने तो शुरुआत ही करी थी इकोनॉमी को मेजर करने की। वीके सी राव भी हैं, आर सी देसाई भी हैं, प्रशांत चंद्र महलनोबिस भी, ये स्टैटिस्टिशियन थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये सही है। इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, मैंने आपको बताया था जीए में मैंने नहीं रिकमेंड किया था आपको, क्योंकि ये सब बैंक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे, इसमें पूछ लिया है। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते थे, बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है, ठीक है, पंजाब का, ठीक है, ये इंश्योरेंस का किसी कंपनी का है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के लोगों के नीचे लिखा रहता है, बैंकर टू एवरी इंडियन, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक लिखा रहता है, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये तो ऐड आता ही है कोटेक का, पंजाब नेशनल बैंक का नहीं, सुमिली दे, ठीक है, बी। अगला है यहाँ पर कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, क्या कंडीशन नहीं फॉलो करनी होगी एक आदर्श गांव को? इसमें ये ए फैक्टर था, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना, धर्मशाला और छोटा सा डिस्पेंसरी भी था, लेकिन भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी आदर्श ग्राम की, बी यहाँ पर नहीं है वो शर्त। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य था, शेयर द ड्रीम, ठीक है, शेयर द ड्रीम। ऊबर कप जो कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता था, ये किसने जीता है 2018 में? कुल मिला के ये बताना है, ये जापान ने जीता है, ठीक है, जापान ने जीता है, थाईलैंड को हराया था फाइनल में, और ये भी हमने करंट अफेयर में आपको करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, पैसेक्स 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, सहयोग कॉर्पैट भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, इंद्र भारत और रूस के बीच एक ट्राई मिलिट्री सर्विस सैन्य अभ्यास है क्या, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार तीन देश करते हैं, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन है तो लंबा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, हम पाकिस्तान के साथ कोई का अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं कभी कभी भी, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान के साथ हम लोग अभ्यास करते ही रहे हैं, कोई ना आर्मी का, ना नेवी का, ना मिलिट्री का। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 2018 में, इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है? योग दिवस तो मनाते हैं 21 जून को,
विश्व स्वास्थ्य दिवस भी सही है, 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सही है, लेकिन विश्व जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये होता है 22 मई को, ना कि 1 मई को। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन गलत लग रहा है वैसे, क्योंकि ये पहला मेगा फूड पार्क मार्च में खुला ही नहीं है। मेगा फूड पार्क इंडिया में बहुत पहले खुल चुका है 2012 में। 10वां मेगा फूड पार्क खुला था महाराष्ट्र में सतारा में, तो महाराष्ट्र या तो ऑप्शन रखना चाहिए था यहाँ पर। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, पहला मेगा फूड पार्क 2018 मार्च में नहीं खुला है। एक्चुअली में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क खुला था 2018 मार्च में, 29 मार्च के करीब अजमेर में। तो आयोग ने इसका सी माना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अगर गलत है क्वेश्चन का तो इसको गलत ही मानना चाहिए हमको। भारत का पहला मेगा फूड पार्क राजस्थान में खुला ही नहीं है, और 2018 में बिल्कुल नहीं है, तो काफ़ी पहले खुल चुका है। सतारा महाराष्ट्र में 10वां मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ था महाराष्ट्र में, या तो वो ऑप्शन रखते। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक 2019 2020 तक यूरिया की सब्सिडी बढ़ा दी थी, तो इस सब्सिडी से क्या होगा, यूरिया के रेट नहीं बढ़ेंगे 2020 तक। तो ये किस लिए किया गया था, वैसे तो काफ़ी एम्बिगुअस हो सकता है ऐसा, कोई इसमें कई सारे मोटिव थे वैसे सरकार के, कि सब्सिडी चोरी ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन आयोग ने इसका माना है कि वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये सही हो सकता है इनका आंसर, लेकिन एक से दो मतलब दो आंसर भी इसमें सही हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें एम्बिगुअस है, बाकी इनका सही भी है वैसे तो। आपने क्या लगाया बताइएगा। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार ने शुरू किया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम ई रकम है, वन रक्षा के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, और आपने अगर देखा होगा उसका वीडियो तो आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। ई रकम यहाँ पर है, ये 2017 मार्च में आया था करीब। भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है। देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6,000 करोड़ का निवेश किया गया, इनमें से ये किस योजना का भाग है? ये भाग है किसान संपदा योजना का, ऑप्शन नंबर सी, संपदा योजना का ये भाग है, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके तहत ये सब काम हो रहे हैं। गलत मिलान पहचान करना है, यानी कि एक तरफ क्रिएशन है दूसरी तरफ क्रिएटर है। फाउंटेन पेन लेविस एडसन वाटरमैन सही है, बैरोमीटर इवांस जुलिस्टा टॉरिसेली सही है, एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड सही है, लेकिन अमीटर जकारियस जेंसन नहीं है, जकारियस जेंसन का आविष्कार माइक्रोस्कोप है। सही मिलान पहचान करना माइक्रोवेव, अब अच्छा दो दो क्वेश्चन है आविष्कारक से। माइक्रोवेव एवन पर्सी स्पेंसर ने बनाया था क्या? ट्रांसफार्मर पियर वर्नियर का था। बैटरी विलियम स्टैनली की थी क्या, या वर्नियर कैलिपर एलेसेंड्रो वोल्टा का था क्या? माइक्रोवेव ओवन के आविष्कारक बस सही दिए हुए हैं, बाकी सब गलत हैं। जैसे बैटरी के एलेसेंड्रो वोल्टा होना चाहिए था, सेल के होना चाहिए था, ठीक है, इसमें वर्नियर कैलिपर दिया है, बाकी भी गलत है, खाली ऑप्शन नंबर ए सही है 47 में। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? इसको हम लोग कैश्ड डेटा बोलते हैं, जो कैश आपके में क्रिएट हो जाता है वो टेम्परेरी होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, कालिदास से बहुत प्यार है यूपी ट्रिपल एससी वालों को, हर एग्जाम में इनकी पुस्तक पूछ लेते हैं, इनकी सारी पुस्तक ध्यान रख लीजिएगा, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं मेल खाता है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना का योगदान, ये भी कार्ल मार्क्स की किताब है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू की है, लेकिन समय का संक्षिप्त इतिहास, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की रचना नहीं है।